आज बसपा मेयर प्रत्याशी शगुफ्ता अंजुम ने जीत का किया दावा। बसपा नेता ने कहा है कि सपा और भाजपा के बीच क्या तालमेल है जनता सब समझ चुकी है। अब बसपा से मेयर प्रत्याशी शगुफ्ता अंजुम करेंगी हाथी की सवारी और कहा है कि भरपूर समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। अगर जनता उन्हें मेयर के रूप में शाहजहाँपुर से चुनती है तो सबसे पहले वह हर वार्ड में CCTV कैमरे, अच्छी सड़कें व वसूली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी और वाटर टैक्स की भी समाप्ति उनके द्वारा की जाएगी। साथ ही बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा और हर स्कूल में बच्चों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो सीवर लाइन का काम चल रहा है, बड़ा लेट लतीफ काम चल रहा है, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि हम इसको जल्द से जल्द पूरा करा सकें ताकि बेहतर सड़कें शाहजहाँपुर की बन पाएँ और जो जाम की समस्या है इससे लोगों को निजात मिल पाए। दूसरी हमारी प्राथमिकता होगी जो घर घर कूड़ा उठाने के जो चल रहा है 50 रुपये रसीद का, तो हमारी यही प्राथमिकता होगी हम इसको ख़त्म करें ताकि जनता पर जो बेवजह का बोझ पड़ रहा है इसको ख़त्म किया जाए। और उसके साथ हमारी प्राथमिकता एक होगी कि जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स है तो इस पर जितनी से ज़्यादा जो रियायत हो सकती है इसको कम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता पर से ये भी इसका भी जो बोझ है वो कम किया जाए। और कूड़े की व्यवस्था जो है ताकि हमें कहीं गंदगी शहर के अंदर नगर निगम के अंदर जो नाले चौक पड़े हैं उन नालों की सफाई कराना और बेहतर से बेहतर सुविधा वो हम दे सकें। देखिए सबसे पहले तो मैं सिविल लाइन का जो काम चल रहा है इसको मैं करूंगा और दूसरा जो टैक्स वाला है जो जनता पे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का जो अतिरिक्त बोझ है उसको हम कम करेंगे, ये सबसे पहले हम इन पर काम करेंगे। देखिए जीत का दावा करने का सबको अपना अपना अधिकार है और मैं समझता हूँ कि हमारी टक्कर जाहिर सी बात है सत्ता ठीक होगी उन्हीं से ही होगी टक्कर हमारी और कोई नहीं कहीं नहीं। बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो घटनाक्रम अभी देखा है शाहजहाँपुर के अंदर सपा और भाजपा का वो आपके दिमागों में है जनता की यहाँ कर और उसके हिसाब से ही वो वोट करें और उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी है।